अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थ्री एक्सरसाइज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जॉइन द ओवेल्स टू द करेक्ट कीज ऑन द कीबोर्ड यहाँ पे जो ओवेल में आपको आ, की दी गई है वो की आपको जॉइन करनी है कि वो कौन सी की करेक्ट है और आ, आ, आपको उसके साथ जॉइन करना है यहाँ पे ब्लैक कीबोर्ड है यहाँ पे कोई भी कलर आपको दिखेगा नहीं जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैंने यहाँ पे उसकी का नाम है वो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट इनशर्ट में इंशर्ट मेन स्पेस आपको ज़्यादा स्पेस इंशर्ट करनी है तो आप कौन सी की यूज़ करेंगे टैब की क्लोज मेनू मेनू क्लोज करने के लिए एस्केप की इरेज एम फ्रॉम नेम तो बैक्सपेस की क्योंकि यहाँ पे जो नेम में एम है वो लेफ्ट साइड है कर्सर की लेफ्ट साइड है इसलिए बैक्सपेस की यूज़ होगी इरेज ए फ्रॉम नेम ए यहाँ पे कर्सर है वो राइट right साइड है एक राइट right साइड से आपको इरेज करना है इसलिए यहाँ पे डिलीट की का यूज़ होगा तो नम लॉक की न्यूमेरिक की या फिर नम लॉक की दोनों ही आप लिख सकते हैं टाइप्स इन अपर केस तो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखने के लिए लॉक की हेल्प टाइप सिम्बोल्स आपको सिम्बोल टाइप करने के लिए सिम्बोल की के साथ आपको शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हैं मूव द कर्सर अप एरो की अपसाइड यहाँ पे चार एरो की दी गई है अप डाउन राइट एंड लेफ्ट तो आपको अप जाने के लिए एरो की अप साइड की एरो की है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी मूव द कर्सर टू द राइट एरो की राइट साइड अब देखिए बी एक्सरसाइज कलर द कीज यूज फॉर टाइपिंग एस्ट्रिक एम परसेंट हैज़ हैप्पी बर्थडे एट द रेट परसेंटेज एंड कैरेट साइड इन येल्लो यहाँ पे जो ये uh, कोमा में आपको दी गई है वो जो इन्वर्टेड कोमा में आपको जो वर्ड दिए गए हैं जो सिंबल दिए गए हैं वो सिंबल और वर्ड है वो आपको येलो कलर से कंप्लीट करना है अब देखिए आगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फर्स्ट देर आर ब्लैंक्स कर्सर कंट्रोल की कर्सर कर्सर कंट्रोल की कितनी होती है चार अप डाउन राइट एंड लेफ्ट सेकेंड द ब्लैंक्स की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर आपको आपका टेक्स्ट है जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपको लेफ्ट साइड से इरेज करना है तो आपको बैक स्पेस की का यूज़ करना पड़ेगा और जो राइट right साइड से आपको इरेज करना है तो आपको डिलीट की का यूज़ करना यूज़ करना पड़ेगा थर्ड वैन द ब्लैंक्स लॉक की इज़ ऑन ऑल द लेटर टाइप विल अपियर इन द कैपिटल ऑन द मोनिटर मोनिटर में आपको कैपिटल लेटर लिखना हो तो आपको कौन सी की ओन रखनी पड़ेगी तो की। फोर व्हेन द की इज ब्लैंक्स यू कैन यूज़ द न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड तो की आपको ऑन रखेंगे तो ही आप न्यूमेरिक की है न्यूमेरिक uh, वर्ड है वो आप लिख सकते हैं या फिर आप जो राइट right साइड में कीबोर्ड में जो प्रेजेंट होती है वो फिफ्थ देर आर ब्लैंक स्विफ्ट की ऑन द की बोर्ड टू कीबोर्ड में टू स्विफ्ट की होती है लेफ्ट साइड और राइट right साइड अब देखिए राइट ट्रू और फॉल्स फर्स्ट द टेब एंड बैक स्पेस कीज आर यूज टू इरेज टेक्स्ट ऑन द मोनिटर फॉल्स यहाँ पे डिलीट और बैक स्पेस की का यूज होता है टेक्स्ट को इरेज करने के लिए टेब की का यूज नहीं होता है इसलिए फॉल्स सेकेंड द डिलीट की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर फॉल्स डिलीट की का यूज है वो राइट uh, साइड right से इरेज करने के लिए होता है लेफ्ट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से इरेज करने के लिए <coughs> बैक स्पेस की का यूज़ होता है थर्ड यू डू नॉट नीड द नमलो की टू यूज़ द न्यूमेरिक की पैड प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड जब आप नमलो की का यूज नहीं करेंगे तो जो न्यूमेरिक की है वो प्रेजेंट नहीं होगा की बोर्ड में तो ट्रू हाँ आपको वो ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे ऊपर जो अल्फ़ाबेट की है उसके ऊपर जो सिंबल सिंबल की है और उसके उस सिंबल की के साथ ही आपको न्यूमेरिक की दी गई है उसका यूज़ कर सकते हैं फोन इफ़ यू वांट टू टाइप एंड एंटायर सेंटेंस इन कैपिटल प्रेस द शिफ्ट की तो ट्रू हाँ शिफ्ट की का भी यूज़ कर सकते हैं और कैप्स लॉक की का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों की का यूज़ कर सकते हैं इसलिए ट्रू फिफ्थ टू टाइप द अपर सिंबल प्रेजेंट ऑन द की इज प्रेजेंट दिफ्ट की ट्रू अपर कैस में लिखने के लिए भी आप शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हैं और कैप्स लॉक की का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों की का यूज़ कर सकते हैं अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट दिस की इज यूज टू कैंसल द सेवे डायलॉग बॉक्स आपको सेवेस डायलॉग बॉक्स कैंसिल करना है तो आप कौन सी की का यूज करेंगे तो एस्केप की सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ विल रिमूव एज प्रेजेंट आफ्टर द कर्सर जब आप आफ्टर कर्सर रखेंगे नेम में रिमूव एज करने के लिए तो बैक्सपेस की का यूज़ करेंगे जब बिफोर रखेंगे तो डिलीट की का यूज करना चाहे करना पड़ेगा और जो आफ्टर कर्सर रखेंगे तो आपको बैकस्पेस की का यूज करना पड़ेगा थर्ड की यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन द वर्ड्स तो टेब फोर्ड जिस की कैन हेल्प यू टू डिस्प्ले बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर तो स्विफ्ट की स्विफ्ट की के साथ आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं फिफ्थ विच की कॉम्बिनेशन विल यू सी विल यू यूज द टाइप द साइन एम परसन तो शिफ्ट प्लस सेवन अब स्विफ्ट प्लस सेवन की यूज करेंगे तो आपको एम पर्सन साइन है वो uh, आप यूज कर सकते हैं अब देखिए आंसर द फॉलोइंग द्वॉट इज द इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनीटर मोनीटर में जो स्मॉल छोटी सी लाइन होती है वो ब्लिंकिंग होती है उसे कहते हैं करसर अब देखिए सेकेंड व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर कंट्रोल की ऑन द की बोर्ड द करसर कंट्रोल कीज आर यूज फॉर मूविंग द करसर ऑन द मोनिटर आप कर्सर जिस जगह जिस तरह ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में उस दिशा में ले जा सकते हैं ऊपर ले जा सकते हैं नीचे ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं और राइट साइड भी ले जा सकते हैं थर्ड द नेम द नेम द टू कीज दैट आर यूज टू इरेज डेटा देर आर टू कीज आर यूज टू इरेज डेटा फर्स्ट बैक स्पेस की एंड सेकेंड डिलीट की फोर्थ वेर आर द एस्केप एंड टेब की लोकेट ऑन द कीबोर्ड लेफ्ट और राइट एस्केप की और टेब की है वो कीबोर्ड में कहाँ पर लोकेटेड होती है राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पर लोकेटेड होती है फिफ्थ राइट टू यूजेस ऑफ स्विफ्ट की फर्स्ट द शिफ्ट की आल्सो यूज टू टाइप द लेटर इन अपर केस और लोअर केस। शिफ्ट की के साथ आप अपर uh, केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स और लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं यू वॉन्ट टू टाइप द अपर सिम्बॉल ऑन द ऑन एनी ऑफ द कलर्ड कीज आप कोई भी सिम्बॉल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की के साथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चैप्टर खत्म होता